हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और मैं सॉल्व करा रहा हूं टीटी परीक्षा 2017 का पेपर फर्स्ट। और इसमें मैं सीरीज़ सी को सॉल्व कर रहा हूं। सीरीज़ सी में मैंने आपको मनोविज्ञान सॉल्व करा दिया। अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं हिंदी, और हिंदी जो बहुत ही ईजी आई है, बहुत इंटरेस्टिंग आई है, उसको देखते हैं। बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, और ये है आपका आशुभाषण। तो दोस्तों, जो मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है वो आपका क्या है? आशुभाषण। आशुभाषण का मतलब होता है जो मुँह जवानी या जवानी बोला जाता है बिना किसी हेल्प के, वो होता है आशुभाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां दोस्तों? वैसे किताबों में 17 बोलियां मिल रही हैं, तो लेकिन वहाँ पे आपको, अब चूंकि 17 का ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ पे 18 लगाएंगे, 18 बोलियां हैं। 22 भाषाएं जो है आपको मिलेंगी, लेकिन 18 बोलियां, तो बोलियां आपसे पूछा है। भारतीय तो युग में निकलने वाली पत्रिका युग में दोस्तों, अब सरस्वती, कल्पना, नवनीत, तो दोस्तों कवि कवि वचन सुधा तो आप जानते हैं भारतीय हिंदू की है, और हिंदी प्रदीप भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की शायद है, तो यही आपका होना चाहिए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसका सही आंसर है अखिलेश। दोस्तों ये अखिलेश है, तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ये अखिलेश एक जो है लेखक, उनकी है ये, तो इसको आप याद रखिए। अगला है 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये दोस्तों ये जो है आलखंड से लिया गया, जो जगनिक का है, आलखंड जगनिक का है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और सामान्य रूप से ये आलखंड का है ऐसा प्रतीत हो रहा है, साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये निश्चित रूप से जगनिक का ही है और ये आलखंड से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में प्रयोग होता है? इसका आंसर मॉरिशस होना चाहिए दोस्तों। और सूर सागर किस भाषा में? आपको पता होगा ब्रज भाषा में है। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान का, मैंने अपने वीडियो में दिया था आपको इसको। और निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण एवं वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है दोस्तों? शुद्ध भाषा ये सामान्यतः प्रांजल भाषा है, और ये इंपॉर्टेंट आलखंड, इसका मैंने यहाँ जिक्र किया। जगनिक आलखंड किस नाम से जाना जाता है? ये परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। और आलखंड लिखा किसने? ये लिखा है जगनिक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे ये दिया गया, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुने, ये संभवतः सभी का सही होगा, फिर भी बता देता हूँ। घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन है दोस्तों? अक्कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है दोस्तों? ये व्यंजन संधि होनी चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। आपका आंसर दिया है उसी में। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पे वैदिक धर्म है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, तो वैदिक धर्म यहाँ हो जाएगा। निमिष शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? निमिष शब्द का अर्थ क्षण होता है, मुझे इससे मुझसे उठा नहीं गया दोस्तों। ये भाववाच्य है, संस्कृत में भाववाच्य का वीडियो डाला है मैंने अभी, आज ही डाला था, तो हो सकता है ना देख पाए आपको। तो भाववाच्य जहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, ये अप्रत्याशित है, क्योंकि ये बहुत ये था, इसलिए मैंने इसको उसमें नहीं लिखा था और आपको पता भी होगा। ये गोधूम मैंने दिया था, तद्भव तत्सम गोधूम, गोधूम मैंने बोला था गेहूं का है, आपको पता होगा, आपने लगाया भी होगा। निधन कपट निष्कपट होता है, ये विसर्ग संधि का है, जो काफ़ी ईजी है और आपने किया भी होगा, आप देख पा रहे होंगे निधन कपट निष्कपट। अगला दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अनुग्रहित, आपको शुद्ध वर्तनी बताना अनुग्रहित है कि अनुग्रहित है कि अनुग्रहित या अनुग्रहित, तो दोस्तों ये आपका अनुग्रहित होगा, ये आप जानते होंगे। अपेक्षा का विशेषण रूप है दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण होता है अपेक्षित हो जाएगा। और शाह क्या है, ये आपको बताया था मैंने, शाह है आपका तालब्य है, तालु से है ये। अत्यंत का अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग मैंने बताया, अतिधनंत अत्यंत होता है, ये आप जान रहे होंगे। उपत्यका भी मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द के वीडियो में दिया हुआ है, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, और ये आपने देखा भी होगा। अंगा क्या है, ये इसे अनुनासिक या नासिक कहते हैं, आपको पता है। चार गज मलमल दोस्तों, ये आपका परिमाण, जो कि गज मीटर और ये जो किलोमीटर, ये सब परिमाण बोधक है, तो चार गज मलमल क्या? परिमाण बोधक है। शीर्ष शब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? ये शीर्ष हो जाएगा। और चौराहा का समास आपको पता ही होगा, ये कौन सा है? चार राहों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। आंख की किरकिरी होना, ये आप जानते हैं, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना दोस्तों, तो आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना, जो आपको पता होगा। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ईजी रहे होंगे। आपने इसमें देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे और हमारे मॉक टेस्ट में थे, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और आप इसमें अच्छा स्कोर करने वाले हैं दोस्तों। अगले वीडियो में ले आ रहा हूँ मैं आपको, आपके लिए संस्कृत, तब तक आप इसको जोड़िए और देखिए, चेक करिए, अगर किसी में डाउट है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।